हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग शुकिंग इंडिया में। तो फ्रेंड्स, मैं शेफ शगुन आज बनाने जा रही हूँ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल घर पर बहुत आसानी से बनने वाला लच्छा पराठे की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बॉल में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसे मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गूंद लूँगी। तो इसमें मैं कोई ऑयल या नमक ऐड नहीं करूँगी। नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं, उसी तरह से मैं इस आटे को गूंदूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस ज़रूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी रेसिपी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए, मैं इस तरह से आटे को लगातार अपने हाथों से गूंद लूँगी और फिर इसे मैं आधे घंटे के लिए साइड पर रख दूँगी, ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, आटा अच्छे से लग गया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए साइड पर रख दूँगी ढककर, ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, आटे को रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसे इस तरह से अपने हाथों की मदद से मलकर इसे थोड़ा सा तैयार कर लूँगी और आटा हमें थोड़ा सॉफ्ट ही लगा कर रखना है। फिर मैं इसकी एक पेड़ी बना लूँगी। इसकी पेड़ी रोटी से थोड़ी सी बड़ी पेड़ी बनती है। जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी पेड़ी हम यहाँ पे बना लेंगे। फिर मैं पेड़ी को इस तरह से अपने हाथों में घुमा लूँगी और यहाँ पे मैंने सूखा आटा ले लिया है, उसमें इस तरह से इसे डुबो लूँगी और फिर इसे मैं अच्छे से पतला बेल लूँगी। तो आप इसे जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला इसे बेल लें। तो इसे इसी तरह से मैं बेल लूँगी। तो लच्छा पराठा को आप किसी भी सब्ज़ी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, या इसमें अगर आप थोड़ा सा नमक ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं आटे को गूंदते टाइम। तो ये ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। और गर्मा गर्म लच्छा पराठा हो और साथ में बढ़िया सी सब्ज़ी हो तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसे बेल लिया है। आप चाहें तो किचन प्लेटफॉर्म पर भी इसे बेल सकते हैं। अब मैं इसमें यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल लगा रही हूँ। इसे मैं अच्छे से सारे जो मैंने रोटी बेल के रखी है इस पर फैला लूँगी। तो देखिए, मैंने ऑयल को सारे तरफ फैला लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करूँगी। तो देखिए, मैंने इसमें ऑयल लगा लिया था और सूखा आटा भी डस्ट कर लिया है। अब मैं इसे एक साइड से इस तरह से उठाऊँगी और जिस तरह से हमें, आपको याद होगा, हम बचपन में फ़ैन नहीं बनाते थे कागज़ का, बस उसी तरह से हमें इसे रोल करना है। तो एक परत को उठाएं, उसे इस तरह से दूसरी परत पे रखें, देखिए इस तरह से इसे उठाएं और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर दें। बस रोटी को इस तरह से उठाते जाएं और इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएं। तो देखिए, जिस तरह से हम एक कागज़ का फ़ैन बनाते थे, बस उसी तरह से हमें इस रोटी के इस आटे को भी रोल करना है। तो देखिए, इसमें बढ़िया सी लेयर्स बनकर रेडी हो गई हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो इसे बहुत आराम से, आसानी से ये बन जाएगा। आप इसे थोड़ा सा पेशेंस से बनाएं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से रोल कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके एक कोने को इस तरह से पकड़ूँगी और उसे इस तरह से मैं रोल कर लूँगी। थोड़ा सा इसे इस तरह से खींच लें और अब इसके एक कोने को इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए दूसरे कोने पे लाके जोड़ दें। ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है और इससे लच्छा पराठा बेहद ही बढ़िया बनता है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसे रोल करते हुए दूसरी तरफ तक ले आऊँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी बढ़िया लेयर्स यहाँ पर दिख रही हैं। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्रिज पर रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 पेड़ियाँ बना के रख ली थी और इन्हें फ्रिज में भी रख दिया था। तो देखिए, मैंने फ्रिज से अब पेड़ियों को निकाल लिया है। अब मैं इन्हें बेल लूँगी। तो इस तरह से आप एक लोई को उठाएं और इसे इस तरह से घुमा के सूखे आटे में फिर इसे बहुत ही हल्के हाथ से बेल लें। इसे बेलने में ज़्यादा जोर ना लगाएं, इसे बहुत हल्के हाथ से हमें बेलना है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसे बेल लूँगी। तो यहाँ तवा मैंने पहले से ही रख दिया था। तवा अच्छा गर्म है। अच्छे गर्म तवे पे हमें इसे पराठे को सेकना है। ध्यान रखें कि तवे का टेम्परेचर ठंडा ना हो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पराठे को तवे पे डाल दिया है। अब मैं इसे दोनों तरफ से अच्छे से ऑयल लगाकर सेक लूँगी। तो गैस की फ्लेम को मैं यहाँ पर हाई पर ही रखा है। इसे इस तरह से बदलते हुए मैं दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा लच्छा पराठा बनकर तैयार है। अब मैं एक टिश्यू पेपर लूँगी और उसे इसमें इस तरह से अपने हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर दूँगी। ऐसा करने से इसकी जो लेयर्स हैं वो खुल जाएंगी और जो पराठा है वो एकदम बढ़िया लगेगा। तो रेस्टोरेंट्स में भी हमें इसी तरह से लच्छा पराठा सर्व किया जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया ये लच्छा पराठा लग रहा है। आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं, कितनी बढ़िया इसमें लेयर्स आई हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और इस पराठे को आप इंजॉय करें कि अपनी पसंद की किसी भी सब्ज़ी के साथ। आपके गेस्ट आए हों तो आप इसे तब भी सर्व कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फ्रेंड ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ उतना ज़्यादा शेयर्स भी ज़रूर करें।